Hello friends, today I have with me Vishwa Vadodaria, who got AIR2 in the recently held AIIMS UG Entrance Examination 2019. Vishwa has got admission into AIIMS New Delhi and he has spent almost 1.5 months in AIIMS. So Vishwa, how has your journey in AIIMS been? AIIMS एक बहुत अच्छा कॉलेज है. मैंने जो सोचा था इन अपनी प्रिपरेशन के वक्त बिल्कुल वैसा ही है. यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि सीनियर भी यहाँ पे आपके एक फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं. यहाँ पे सीनियर जूनियर कुछ है ही नहीं और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एकेडमिक फैसिलिटीज, नॉन एकेडमिक फैसिलिटीज जो भी है आपको यहाँ पे सब है. ये एक आइडियल मेडिकल कॉलेज है. अच्छा, तो विश्व का एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है. तो आज विश्व के साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि विश्व ने अपनी प्रिपरेशन कोटा में की. हर साल हज़ारों और लाखों की संख्या में बच्चे कोटा जाते हैं तैयारी करने. उसमें से बहुत ही कम प्रतिशत बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है और रैंक तो बहुत ही ज़्यादा कम परसेंट बच्चों की आती है. तो आज विश्व के साथ मैं डिस्कस करूँगा कि कोई भी बच्चा अगर कोटा जाता है तो उसे क्या समस्याएँ आती हैं. तो मैं पर्सनली कोटा नहीं रहा हूँ, मैं इंदौर में पढ़ा था. तो आज हम विश्व से जानते हैं कि कोटा में जब कोई बच्चा नया नया जाता है क्लास 11th में या क्लास 12th में तो उसे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं. तो विश्व, सबसे पहले तुम गए थे कोटा में, तुम क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ चले थे, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ रहते थे? हाँ, मेरी मम्मी रहती थी मेरे साथ. अच्छा, तो जैसे तुम गए कब, 11th में गए थे? 12th में. अच्छा, तो क्या डिफिकल्टीज तुम इनिशियली सामना करना पड़ा? इनिशियली तो ये था कि वहाँ पे कोटा में काफ़ी सारे बच्चे आते थे और मैंने पहले से ये ड्रीम था कि एडमिशन मुझे न्यू दिल्ली में चाहिए. तो वहाँ पे सबसे पहले तो ये था कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो वहाँ पे यही था कि हमारा तो कैसे क्या ही हो पाएगा, इतने सारे बच्चे, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. तो काफ़ी अलग सा सडनली एकदम चेंज आया था अपने होम टाउन से कोटा में. तो काफ़ी ज़्यादा थोड़े दिन लग गए थे इसके साथ कोप अप करने में. तो यही था कि क्या हो पाएगा, यहाँ पे इतने सारे बच्चे एक ही स्ट्रीम में है तो हमारा क्या ही हो पाएगा, मतलब ये. अच्छा, थोड़ा सा तो मतलब प्रेशर आ गया था बहुत ज़्यादा कि इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे आगे निकलूँगा इनको पीछे करके. उसके अलावा क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ जाती थी, खाना वही बना देती तुम्हारे लिए? खाना मेरे लिए खाना एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रहती है कोटा वालों के लिए, वो होता है मैस का खाना. जो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मेरी मम्मी साथ में रहती थी, तो मैं मेरे घर का ही खाना मिलता. अच्छा, मैं एक बार कोटा गया था. कोटा में अब मैंने देखा कि नए टाइप के रूम्स खुल रहे हैं जिसमें एक रूम होता है, मतलब वो आइडियल इसीलिए बनाए जाते हैं कि बच्चे की मम्मी रहेगी और बच्चा रहेगा वहाँ पे. तो एक स्टडी रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है अलॉन्ग विद अटैच्ड वॉशरूम एंड किचन. सो यू लिव इन दैट काइंड ऑफ रूम? ओके. सो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट मुझे भी पर्सनली लगा कि अगर मम्मी बच्चे के साथ में रहती है. तो विश्व, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे जिनकी मम्मी साथ नहीं रहती होंगी तो वो खाने में मेस का करते थे, तो मेस के अलावा और क्या खाने में कोटा में ले सकते हैं? क्या वहाँ पे स्विगी या जोमेटो टाइप का कुछ चलता है? ये जो स्विगी और जोमेटो है वो आप महीने में एक दो दिन करो तो वो ठीक है, चलता है. लेकिन वहाँ आते हैं रेस्टोरेंट है? हाँ, रेस्टोरेंट है. अच्छा. पर अगर आप इसे डेली पे ला दो, डेली अगर आप स्विगी या जोमेटो से मंगवा रहे हो तो इससे आपका हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. वैसे मैस में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बनी रहती है, बस उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता. तो थोड़ा आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. पर अगर आप रोज़ स्विगी और जोमेटो अपने टेस्ट के लिए सिर्फ कर रहे हो तो इससे आपकी हेल्थ काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाएगी और सिर्फ टेस्ट के लिए आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज का बिगाड़ रहे हो. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैस में ही खाइए, पर अगर बीच बीच में थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो तब आप बाहर से जो भी खाना है वो मंगवा लीजिए. अच्छा, और उसके अलावा जैसे जाते से ही कहीं भी अपन जगह चेंज करते हैं या फिर अपन एक दिन कहीं घूमने भी जाते हैं, होटल में रुकते हैं, तो नींद नहीं आती. सो डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ इंसोम्निया और नार्कोलेप्सी रिलेटेड इशूज़? मतलब स्टार्टिंग में ये था कि थोड़ा सा ज़्यादा एकदम सडन चेंज आ गया था, तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. पर ये मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी मदर मेरे साथ कोटा में रहती थी, तो उनका भी मुझे अपने इन प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था. और वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे एग्ज़ाम्स के बाद अगर मार्क्स कम आ रहा है या फिर रैंक कुछ ज़्यादा पीछे चली गई, तो इसमें अगर आपका फैमिली मेम्बर आपके साथ रहता है तो ये एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट रहता है, ताकि आप डिप्रेशन या फिर थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हैं तो उनकी वजह से आप थोड़ा मोटिवेटेड रहता है और काफ़ी अच्छा घर जैसा ही माहौल रहता है कोटा में भी. अच्छा, तो जैसे तुम जिस फ्लैट में रहते थे उस अपार्टमेंट में तेरे हमारे और दोस्त थे या कोचिंग में और दोस्त थे? हाँ, दोस्त का मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे फ्लैट में भी 2-3 दोस्त थे. ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही अपने आइसोलेटेड रहता था. प्लस जो मैं ये भी जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप ऐसा भी मत कीजिए कि पूरा ही आइसोलेट हो जाए या फिर आप पूरा ही
मतलब आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल, बड़ा फ्रेंड सर्कल रखें, क्योंकि अगर आप पूरा ही आइसोलेट हो जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टी रहेगी। आप किसी से बात शेयर नहीं कर रहे, आपके जो भी फिर इससे जो होता है स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप किसी से अगर अपने मन की बात शेयर करते हो तो आपको काफ़ी हल्का फील होता है। और प्लस ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल अपना बढ़ा लिया है तो इससे डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कोई भी दोस्त आके रूम पे बैठ जाता है और बोलते हैं कहीं आज यहाँ पे चलते हैं, फिर अगले दिन दूसरा दोस्त आएगा वो बोलते हैं कहीं और चलते हैं, तो ऐसा आपको भी नहीं करना। इससे आपके एकेडमिक काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा कि दोस्त आप अपने सोच समझ के बनाएं, जो जिनकी आइडियाज़ आपके आपके आइडियाज़ से मैच करते हो, जो पढ़ाई मतलब ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें अपने बात से, पर एक टोटली आइसोलेट भी नहीं होना है। अच्छा, तो और तुम कौन सी कोचिंग में थे कोटा में? मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में। अच्छा, तो एलन में क्लासेस का टाइम क्या होता था? एलन में मेरी क्लासेस का टाइमिंग 2 to 8 रहता था। 2 PM to 8 PM? 2 PM। अच्छा, तो उसमें वो बैच स्ट्रेंथ कितनी होती थी? नॉर्मल बैच स्ट्रेंथ अराउंड 150। तो तुम्हें जाके पहले ऐसा नहीं लगा कि यार 150 स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है? मतलब स्कूल में या अपन ट्यूशंस में जहाँ तक अपन जनरली क्लास 10 तक पढ़ते हैं, मैक्सिमम 30-40, हद हो गई तो 50 होती है स्ट्रेंथ। तो 50 से सीधा 150 जब स्ट्रेंथ पहुँच जाती है, तो तुम्हें नहीं लगता था यार टीचर पढ़ा रहा है, मैं ऐसे कैसे डाउट पूछूंगा? मेरे को कुछ क्या तुम पूछते थे बीच में डाउट रोक के? हाँ, कोटा में ये सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे फैकल्टीज काफ़ी अच्छी है, और भले ही वो 150 का बैच रहता था, पर कभी भी ये नहीं लगा था कि ये इतने सारे बच्चे तो टीचर पर्सनली कैसे ध्यान दे पाएंगे हमारे उस पर। तो बीच में भी क्लास में भी कभी भी उठ के डाउट पूछ लिया या फिर डाउट काउंटर अटेंड कर ली, तो टीचर कोटा में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहते थे। मतलब तो डाउट काउंटर पर हर किसी को सफिशेंट टाइम मिलता था अपने डाउट क्लियर करने का? हाँ, डाउट काउंटर पर भी काफ़ी सारी फैकल्टीज रहती थी, तो आप वहाँ पर भी अच्छे से एकदम डाउट क्लियर हो जाते थे। और जैसे तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, डाउट काउंटर क्लियर किया नहीं हो रहा, टाइम नहीं है फैकल्टी के पास इतना कि तुम्हें वापस टॉपिक पढ़ा पाए, तो क्या तुम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते थे, कुछ वीडियो देखते थे? इंटरनेट पे भी काफ़ी सारे मैं वीडियोस देखता था, या फिर कभी ऐप डाउनलोड कर लिए, या फिर मतलब कोई और बुक्स लाइब्रेरी से रेफर कर ली। तो ये भी होता था कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, ऐसा मैं नहीं था कि पूरा ही इंटरनेट से कट ऑफ था, तो ये सब चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता था इंटरनेट। अच्छा, क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन था? हाँ, स्मार्टफोन था मेरे पास। अच्छा, तो उसका तुम कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते थे? वर यू ऑन सोशल मीडिया? नहीं, सोशल मीडिया तो मैं यूज़ नहीं करता था, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैं इंटरनेट को इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता था, कि कोई अलग से क्वेश्चन बैंक मिल गया, या फिर यूट्यूब पे कोई टॉपिक की वीडियो देख ली, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी मैं यूज़ करता था इंटरनेट को। अच्छा, और जैसे वहाँ पे तुम्हें कभी प्रिपरेशन में ऐसा फेज़ आया कि लगे यार अब नहीं हो रहा हमसे, मेरे को घर जाना है, सब छोड़ के मेरे को अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी चाहिए वापस, आई कैन नॉट बियर दिस स्ट्रेस फॉर एनी लॉन्गर? ये तो हर कोटा मतलब मेडिकल एस्पिरेंट हो या नॉन मेडिकल, ये सबकी लाइफ में एक बार तो आता ही है कि लगता है कि अब ये सब छोड़ के चले जाना है एक बार वापस से घर पे। तो मैं मतलब यही कहूँगा कि मेरे फैमिली मेम्बर जो थे उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट रखा कि ये थोड़ी दिन की बात है, पर बाद में फैमिली मेम्बर्स का भी काफ़ी सपोर्ट था, और ये था कि मतलब अभी के लिए थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, पर बाद में जब एंड में जब रिजल्ट आएगा तब की खुशी जो होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। अगर मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिया इसको तो फिर मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, तो यार ये भी मैंने सुना है कि कोटा में काफ़ी लोग जाके रिलेशनशिप्स और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो तुम्हारा कुछ था क्या ऐसा? नहीं, मेरा पर्सनल ऐसा कुछ। सो तुम क्या कहना चाहोगे कि ऐसे रखने से पढ़ाई अफेक्ट होती है या दिस कैन बी मैनेज अलोंग विद द स्टडीज? ये अब तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वैसे, पर मोस्टली केसेस में ये होता है कि इससे आपका एकेडमिक्स काफ़ी मतलब काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो मैं यही पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि इन सब चीज़ों में आप कम से कम रहिए, वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे मैनेज कर रहा है इन सब चीज़ों को। ओके, सो और एक तो ये पार्ट था, उसके अलावा दूसरे वहाँ पे पॉलिटिक्स एंड गुटबाजी एंड गैंग्स एंड ऑल भी आजकल चलने लगे। हाँ, और कौन से फ्रेंड आपको अपने पास से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर देंगे। ठीक है, सो द की मैसेजेस दैट विश्वा गिव वर यू हैव टू मेक सम फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू आइसोलेट योरसेल्फ कंप्लीटली, you have to make a limited number of friends, enjoy with them, study with them, discuss your problems with them. If you have any problems related to academics, go to your teachers. If still they are not resolved, you can switch to online learning platforms and other books which are available. And apart from that, as far as food is concerned and stress is concerned, you just have to get through it for 2 years.
एंड विश्व, क्या बहुत जरूरी है कोटा जाना? क्या बिना कोटा के या बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि बहुत जरूरी है कोटा जाना, पर कोटा में ये है कि आपको कंपटीशन थोड़ा अच्छा मिलता है, प्लस फैकल्टी भी यहाँ पे थोड़ी अच्छी लेवल की रहती है, तो इससे आपको मदद मिलती है कोटा जाने पर। कोटा के उतने ही नुकसान भी है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो आप वहाँ पे चलते उस अपने पास से डिवेट हो गए तो फिर आपको काफी नुकसान हो सकता है। राइट, सो कोटा में जैसे उसने बताया काफी लोग पढ़ने वाले हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने वाले, जो जबरदस्ती भेजे गए हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इस टाइप की गैंगस्टर शिट एंड ऑल रिलेशनशिप्स में आके आपका टाइम खराब करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी है, अपने गोल पे, अपने एम पे फोकस रखना है पूरी तरीके से और अपने पाथ से डेविएट नहीं होना है। सेकेंड थिंग विश्वा, ऑफ लेट आई हैव बीन रिव्यूइंग दिस बुक ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बायोलॉजी and this has been written by one of our seniors, Dr. Ajay Mohan, who is himself an Amesonian of 2011 batch. So go through this book, man. Like, I'll tell you the features of this book. Like, we open any random chapter, so the first few pages are focused on the NCERT summary, right? So this is NCERT crisp. So NCERT has been very brilliantly summarized in the form of tables, figures and key points which have been enlisted according to the topics, right? Like this is earthworm, this is cockroach, so all the key points have been included. And once you're done with the theory, you can go on to self-assessment questions. Like these questions are based on the NCERT, like these are level 1 questions. Apart from that, like as you can see, there are matching questions, diagram based questions. As you must be knowing that figure based questions and matching questions are very important from NEET point of view and as well as from NEET point of view too. So after this question is done, this section is done, we have higher order questions in which reasoning and analytical ability will be involved. Generally in biology, we do not have sufficient number of higher order questions available in the question banks that are circulating in the market, but this book provides a sizable number of such questions. And exemplar. तो क्या तुमने एग्जाम्पलर की थी? हाँ, एग्जाम्पलर की थी। हाँ, तो क्या कितना अच्छा होता कि अगर एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी उसी बुक में इंक्लूडेड होती, सो यू वुड दैट वुड हैव एलिमिनेटेड द नीड टू परचेज एंड मेंटेन अ सेपरेट बुक। एंड ऑल्सो एक्सप्लेनेशंस आर ऑल्सो गिवन, देयर आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस टू एवरी क्वेश्चन इन डिटेल हैव बीन गिवन एंड अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू द एनसीईआरटी चैप्टर एंड पेज फ्रॉम विच दे हैव बीन फ्रेम्ड एंड ऑल्सो बीन गिवन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट टाइम्स there are some controversial and dicey kind of statements that are given in the NCERT, so you must go through them, and if a question, if you feel that the answer to this question is wrong, your faculty might also feel that the answer to this question is wrong, you may change the answer that is given in the book, but then at a later stage you'll realize that this statement is mentioned in the NCERT. So that this kind of confusion does not happen, this book has an additional feature. It mentions the page of the NCERT from which this question has been handpicked. So this I feel is one of the very key features of this book. And do you like the level of assertion and reason questions? Yeah, these are very good assertion reason, like they match with the level of the assertion reason that come in aims. So they give you at home you can practice those assertion reason that come in the main exam. So it gives you very good practice. Okay, great. So, would you recommend this book to the people who are preparing for AIMS? Yeah, I will surely recommend to the medical aspirant for NEET and AIMS 2020. So, please follow this book. This is a very good book for the medical aspirants to follow. Okay. So, thank you friends for watching this video. Keep watching AIM for AIMS channel for more such updates from the various toppers of AIMS. Thank you.